आज हमने कंप्यूटर का जो है वो टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करना है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम बेसिकली कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो बेसिकली इनपुट लेती थी, प्रोसेसिंग करती थी और आउटपुट आपके पास प्रोड्यूस करती थी। वो आपके करंट कंप्यूटर है। अब हमने कंप्यूटर की जो है वो हिस्ट्री में जाना है, कंप्यूटर की जो है वो पसे मंजर पे जानी है। कंप्यूटर इससे पहले कहते थे, आजकल के कंप्यूटर जो हैं पिछले जमाने के कंप्यूटर वो हैं, वो किस तरह के काम करते थे, आज से 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले हमने जो है उनको डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर है बेसिकली अबैकस कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर आपका हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो अबैकस कंप्यूटर था। ये अबैकस कंप्यूटर बेसिकली आपका चाइना में इन्वेंट हुआ। किसने इन्वेंट किया आपका? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी जो है वो कहा जाता है। अब ये अबैकस कंप्यूटर जो है वो किस तरह वर्किंग करता था, हमने जो है इसको डिस्कस करना है। बेसिकली अबैकस कंप्यूटर एक वुडन फ्रेम होता था जिसमें आपके पास रोड्स होती थी, ग्रेड्स होती थी और आपके पास वर्किंग इसमें हम किस तरह करते थे, हम इसमें एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे और हम इसको चेक करते हैं कि हम इसमें जो है वो ये मशीन वर्क किस तरह करते थे। तो बेसिकली ये एक आपके पास वुडन फ्रेम था जिसमें क्या होती थी, आपके पास रोड्स होती थी, ठीक है। तो रोड होती थी, इसमें आपके पास और क्या होती थी, बीड्स होती थी, इनके साथ हम क्या करते थे, अपनी इनको मूव करवाते थे, हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो मेमोराइज करते थे, कैलकुलेशन जो है वो हम परफॉर्म करवाते थे। ये किस तरह वर्क करता है इसको देखिए। बेसिकली ये आपके पास एक मैंने वुडन फ्रेम बना दी है, ये आपके पास इसमें आपके पास रोड्स होते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, और ये इसके दरमियान आपको मिलेगी क्रॉस बार। ये जो लाइन होती है इसको हम नाम लेते हैं क्रॉस बार, जो क्या करती है, ऊपर वाले और नीचे वाले सेक्शन को सेपरेट करती है। अच्छा, अब जैसे ही क्रॉस बार हमने इंसर्ट की तो अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस पार्ट्स को हम कहेंगे अपर पार्ट और इस सेक्शन को हम कहेंगे लोअर पार्ट। क्या होगा कि अपर पार्ट में आपके पास टू बीट्स होंगी, यानी टू बीट्स होंगी, हर अपर पार्ट में आपके पास टू बीट्स होंगी। ठीक है, और इसी तरह आपके पास लोअर पार्ट्स में 5-5 बीट्स होंगी। बीट्स बेसिकली हम दोनों को कह रहे हैं, ये आपके पास इस तरह का कंप्यूटर जो है वो आ जाता था। अब ये कंप्यूटर वर्किंग किस तरह करता था इसको जो हमने देखना है, तो आपने राइट साइड से स्टार्ट कर लेना है। तो यहां से देखें बेसिकली फर्स्ट जो है आपके पास इस हर एक की बीट की वैल्यू आपके पास, हर एक बीट की वैल्यू आपके पास 1 होती है, हर एक बीट की वैल्यू आपके पास 1 होती है। और इसके ऊपर वाले की बात कीजिए तो हर एक की वैल्यू 5। इसी तरह अब नेक्स्ट पे आ जाइए तो हर इस एक बीट की वैल्यू 10 और इसके ऊपर वाले हर एक बीट की वैल्यू 50। फिर इसी तरह नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो इस एक बीट की वैल्यू, सारी बीट्स की वैल्यू 80। ये हर एक बीट की वैल्यू, इसी तरह इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये 500, इसी तरह
इधर चले जाएंगे इसकी 5000 और इधर चले जाएंगे इसके नीचे तो ये 1000 अरे बिल्कुल ये बेसिकली आगे भी रोड्स आपकी जो है मूव होती हैं आगे भी आपके पास ये तो मैंने लेटर एक मॉडल बना दिया। ये बेसिकली किस तरह नंबर आपने लगाने हैं इसकी कैलकुलेशन बेसिकली देखें। ये बेसिकली जहां से आप स्टार्ट करेंगे ये यूनिट होगा ये देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh ये 100 गुना आगे इसी तरह मूव करते रहेंगे हर हर एक बिट की वैल्यू। और इसी तरह 1 के ऊपर जो है उसकी 5 5 उसी के ऊपर 10 के ऊपर जो है वो 50 50 और इसके ऊपर जो है आपकी 500 और इसके ऊपर आपका 5000। अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 5 तो हर एक बिट की वैल्यू 5 है। 10 ये 50 हो गए तो हर एक बिट की वैल्यू भी 50 है। यहाँ इनको प्लस करेंगे तो ये 500 है तो ऊपर भी 500 आ रहा है। इनको प्लस करेंगे तो ऊपर भी 5000 आ रहा है। अब इसमें जो है वो आपकी जो वर्किंग है वो किस तरह होती है किस तरह हम जो है वो एडिशन परफॉर्म करते हैं किस तरह हम जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखिए। सपोज मैं चाहता हूं कि एडिशन मैंने करनी है 50 प्लस 1000 तो इसमें एडिशन किस तरह होगा। देखिए 50 वाली बीट कहाँ है ये है 50 वाली। आप क्या करेंगे बेसिकली इसको हाथ से पकड़ के हम नीचे इस क्रॉस बार के साथ लगा देंगे यानी ये यहां से रिमूव करके हाथ से ये हम कहां ले आएंगे बेसिकली इसको इधर लगा देंगे। बेसिकली याद रहे जो आपकी क्रॉस बार के साथ अटैच होगी वो बिट आपकी ऑन होगी। अच्छा ये 50 हो गई। अब 1000 लेके आना है तो 1000 वाली बिट आप देखने कहां है ये 1000 वाली बिट है तो एक बिट इधर से आपने उठा के इस क्रॉस बार के साथ लगा लें तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 1000 लिखा हुआ है तो ये बेसिकली 50 लिखा हुआ है तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास 1050 लिखा हुआ है। ठीक है इसको इसी तरह इनकी डेस्ट पोजीशन पे ले आते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमने जो है वो एडिशन करनी है 100 प्लस 42 यानी एडिशन करनी है हमने 100 प्लस 42 तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 100 वाली एक बीट को उठा के ऊपर लेंगे यानी ये बीट आपकी इस क्रॉस बार के साथ आ जाएगी तो इसका मतलब 100 आपका जो है वेक्टर में लिखा गया। अब 42 लिखना है तो इसके लिए क्या होगा तो देखें सबसे पहले अगर 40 लिखना है तो आप क्या करें ये 10-10 वाले 4 बीट्स को अगर हम उठा के हाथ से पकड़ के ऊपर ले आएंगे तो ये बेसिकली 140 हो जाएगा। देखते हैं ये एक 10 वाली नीचे ही पड़ी जाएगी तो हमने क्या किया इधर से हाथ से पकड़ के जो हमने 4 बिट्स हैं वो ऊपर कर देंगे तो यानी 1000 ये बेसिकली आपके 100 आ गया ऊपर उसके बाद आपके पास क्या आ गया इधर 40 40 आ गया। उसके बाद हमें 2 चाहिए तो 2 1 1 वाली एक बीट हम उठा के अगर ऊपर ले आएंगे तो ये बेसिकली आप देख लें कि ये 100 उसके बाद ये 40 और उसके बाद 2 यानी 142 ये जो है आपका वो लिखा गया। ये बेसिकली अबैकस में जो है हम इस तरह जो है वर्किंग परफॉर्म करवाते थे। अब इसी में अगर हमने जो है वो 1 माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे इसी एक बीट को हम उठा के दोबारा नीचे ले आएंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया उसमें से माइनस हो गया तो ये बेसिकली इसमें हम जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन इस तरह करते थे। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर समझ आ गया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।